तो आखिरकार लंबा इंतजार और कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी हो गई है लोकसभा चुनाव के लिए। पहली लिस्ट न्यूज 18 ने सबसे पहले कांग्रेस की सूची आपको दिखाई और डिकोड करके दिखाई, और जो न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने लगातार आपको दिखाया था वही नाम लगभग फाइनल हुए हैं। छत्तीसगढ़ के उम्मीदवारों का ऐलान, छह नामों का ऐलान किया गया। भूपेश बघेल राजनांदगांव से चुनाव लड़ेंगे, रायपुर से विकास उपाध्याय को टिकट दिया गया है, ताम्रध्वज साहू महासमुंद में मोर्चा संभालेंगे, कोरबा से ज्योत्सना महंत को टिकट, जांजगीर से शिव डहरिया को टिकट, पूर्व मंत्री दुर्ग से राजेंद्र साहू चुनावी मैदान में रहेंगे। जो नाम हमने बताए थे लगभग वही नाम सामने आए हैं। क्यों आए हैं वो भी लगातार हमने आपको डिकोड करके बताया कि किस तरीके से किस जाति की बहुलता कहां है और क्या बीजेपी ने जातिगत समीकरणों का ध्यान रखा है, अगर नहीं रखा है तो कांग्रेस ने उसका रखा है। इस तरह से नामों का ऐलान किया गया, छत्तीसगढ़ के छह नामों का ऐलान। सीधे आपको लिए चलेंगे सहयोगी ममता के पास, शिव डहरिया उनके साथ मौजूद हैं। ममता, ओवर टू यू, चर्चा आप शुरू कर सकती हैं। बिल्कुल, देखिए न्यूज 18 की जो खबर है उस पर एक बार फिर से मुहर लगी और हम लगातार बता रहे थे कि जांजगीर से जो है वो शिव डहरिया चुनाव लड़े, और सबसे पहले उन्होंने उनका इंटरव्यू भी दिखाया था कि जब वो तैयारी कर रहे थे। इसके साथ ही जो छह नाम जो घोषित हुए हैं उसके नाम भी हमने बताए थे, लगातार हम बता रहे थे, और एक बार फिर न्यूज 18 जो है वो जानकारी में खरा उतरा है। शिव डहरिया हमारे साथ मौजूद है, पूर्व मंत्री हैं और जांजगीर चांपा से मैदान में उतर रहे हैं। सबसे पहले आपसे बात की थी तो आपने बताया था कि जांजगीर चांपा से आप तैयारी करें और अल्टीमेटली, हालांकि आप कह रहे थे कि पार्टी टिकट देगी या नहीं देगी ये, लेकिन अब अल्टीमेटली टिकट मिल गई है, तो कैसी लड़ाई है आपको लगता है? देखिए, लड़ाई अच्छी रहेगी और इस बार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का माहौल है छत्तीसगढ़ में, वैसे भी छत्तीसगढ़ हमारा कांग्रेस का गढ़ रहा है, और जांजगीर जिला जो है हमारे किसानों का जिला है, हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के भाइयों का जिला है, तो निश्चित रूप से वहां पर कांग्रेस को बहुमत मिलेगी। जी, आप अगर हम बात करें तो बीजेपी से क्या चुनौतियां आपको लगती हैं, आपको लगता है कि क्या प्लस पॉइंट आपका हो सकता है वहाँ पर? देखिए, बीजेपी के साथ हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं और बीजेपी अब इस समय लोकसभा चुनाव में कोई चुनौती नहीं रहेगी। नरेंद्र मोदी जी की गारंटी की बात जो करते हैं, उन्होंने जितनी वादे पिछले चुनाव में किया था वो तो पूरे नहीं हुए, चाहे 15 लाख देने की बात हो, 2 करोड़ रोजगार देने की बात हो, किसानों को उसका वाजिब मूल्य देने की बात हो, लेकिन ये हो नहीं पाया बीजेपी की सरकार में। महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, तो बहुत सारे मुद्दे हैं जो सीधे जनता को आकर्षित कर रहे हैं। इस बार लोकसभा में कांग्रेस पार्टी को जिताने का छत्तीसगढ़ की जनता ने, जांजगीर की जनता ने निर्णय किया हुआ है। सर, एक बात और हुई थी, स्क्रीनिंग कमेटी की जब बैठक हुई थी तो उसमें ये कहा जा रहा था, मंत्रियों को तंज कसा गया था कि आप लोग तो लड़ ही लीजिए, अगर आप ब्लेम कर रहे हैं कि हम इस वजह से हारे, तो क्या ये माना जाए कि शायद इसको लेकर एक शब्द भी कहा जाता है कि आप लड़ने के लिए इच्छुक थे, आपको सामने कर दिया गया? नहीं, देखियो, हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पार्टी के कार्यकर्ता को जो जिम्मेदारी दी जाती है उसको हम लोग पूरी निष्ठा से निभाते हैं, और पार्टी ने जिम्मेदारी दी है उसको निभाएंगे और लोकसभा चुनाव जीत के भी आएंगे। लेकिन विधानसभा के चुनाव के जो नतीजे थे वो तो देखिए, लोकसभा, हाँ, लोक विधानसभा में जो आश्वस्त नजर आ रहा है वो निश्चित रूप से तो 39 नामों का आज ऐलान किया गया छत्तीसगढ़ में से, इसमें से 6 नाम हैं और सभी बड़े नाम हैं जो हमने बताए थे, लगभग वही नाम है। जातिगत समीकरणों का ध्यान रखते हुए ये 6 नाम नजर आते हैं। पहली लिस्ट में 39 नाम